खबर सिंगरौली से। सिंगरौली रेत माफिया के दो दर्जन गुर्गों ने किया जानलेवा हमला। सिंगरौली जिले में रेत माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। रेत माफिया के दो दर्जन गुर्गों ने संविदा कार के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ जानलेवा हमला कर दिया। यह पूरी घटना कोतवाली थाना के बलियरी इलाके की है, जहां कंपनी के ऑफिस में दो दर्जन की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ की और मारपीट शुरू कर दी। इसके अलावा वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। दो कर्मचारियों से भी जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में ग्लोबल सहकार कंपनी का रेत खनन का कार्य मिला है। बावजूद रेत माफिया इतने साहसी हो चुके हैं कि अवैध खनन करने के लिए उनके कर्मचारी पर लगातार जानलेवा हमला कर रहे हैं। एक महीने में तीसरी बार घटना को अंजाम दे चुके बेखौफ बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है और लगातार बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर भारतवर्ष के लिए सिंगरौली मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।